सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बेल स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने चार्ट लिया है। पहले चार्ट के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे, क्योंकि चार्ट के ऊपर कटिंग करने से आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होता है और जो बिगनर्स होते हैं वो भी इजीली कटिंग कर सकते हैं। अब इस केस में जो हमारी बाजू की रेडी लेंथ होगी वो 17 इंचेस होगी। अब जो हम अपर पोर्शन बनाएंगे, बाजू का अपर पोर्शन शोल्डर से लेके यहाँ तक, इसको मैं अपर पोर्शन बोल रही हूँ, ये हमारी यहाँ से एल्बो ऊपर शोल्डर से लेते हुए यहाँ पर एल्बो तक का जो पोर्शन होता है इतना, वो हम 10 इंच रेडी रखेंगे। ये अलग अलग पर्सन का अलग अलग हो सकता है, किसी का 10 पे आ सकता है, किसी का 11 पे आ सकता है, किसी का 12 पे। आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग देख लेना है कितने पे आ रहा है। और ये जो बेल बनाएंगे हम, बेल या फिर फ्लेयर भी बोलते हैं, ये हम 7 इंचेस रेडी रखेंगे। तो हमारा अपर पोर्शन 10 इंचेस हो जाएगा और फ्लेयर या फिर बेल 7 इंचेस हो जाएगी, तो टोटल ये 17 इंचेस हो जाएगा। अब हम जो अपर पोर्शन की कटिंग के लिए कपड़ा लेंगे वो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसमें भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वो मैं आपको कटिंग करते वक्त बता दूंगी किस तरह से लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने चार्ट लिया है और इसको डबल करते हुए रखा है, जैसे कि हम नॉर्मल बाजू की कटिंग के लिए लेते हैं। वन साइड इस तरफ है और खुली साइड इस तरफ है। आपने अपनी बाजू की चौड़ाई के हिसाब से ले लेना है, जितनी चौड़ाई है उससे आपने 1 या 1.5 इंच जितना भी आप मार्जिन रखना चाहते हो उतना डबल में ले लेना है। अब सबसे पहले जो आपने इसकी लंबाई लेनी है, जितनी लंबाई रेडी होगी, जैसे इस केस में हमारी 17 इंचेस रेडी है, तो उससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए चलना है। तो ये हमारी लेंथ 18 इंचेस हो गई है। अब खुली साइड में, वन साइड इस तरफ है, खुली साइड में आप यहाँ से आर्म पिट से जितना भी आप मार्क करते हो, 3 इंच पे करते हो, 3.5 इंचेस पे करते हो, जहाँ भी करते हो आपने मार्क कर लेना है। मैं इस केस में 3 इंचेस पे मार्क करूँगी। अब नेक्स्ट, जो हमारी बाजू का अपर पार्ट रेडी होगा उससे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करना है। मैं 10.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इन दोनों निशानों को स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको आर्म होल लाइन लिख दिया और इसको राउंड लाइन लिख दिया है। अब हम इसमें यहाँ पे आर्म होल का मार्क करेंगे। आपके केस में जितना भी आ रहा हो आप उतना मार्क कीजिए। मेरे केस में ये 7 इंचेस आ रहा है, मैंने आपको बताया हुआ है जितनी चेस्ट होगी राउंड में उसका हमने, उसको हमने 5 से डिवाइड करते हुए, मींस उसका 1/5 पार्ट यहाँ पे लगाना होता है। तो ये मेरे केस में 7 इंचेस आ रहा है, आपके केस में जितना आ रहा होगा आप लगा लीजिए। और हम इस पॉइंट से इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब हम यहाँ पे इसकी मोहरी का मार्क लगाएंगे। इस केस में जो मेरी मोहरी रेडी है वो 4 इंचेस रेडी है, तो मैं 4 इंचेस पे मार्क कर लूँगी। आपके केस में जितना रेडी होगा आप उतना मार्क कीजिए। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से इंचेस टेप रखते हुए मिलाते हुए, जैसे हम नॉर्मली मिलाते हैं इस तरह से रखते हुए देखेंगे और हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस लाइन पर कितना आ रहा है। जैसे इस तरह से रखा तो यहाँ पर मार्क कर लिया। इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि क्यों किया है यहाँ पर मैंने। अब हमने जिसका भी आप बना रहे हो ये बाजू, उसको इस तरह से उसकी यहाँ पे ये जो एल्बो है, एल्बो के यहाँ पे इस तरह से इंचेस टेप को रखते हुए 1 फिंगर अंदर की तरफ इस तरह से करते हुए 1 फिंगर की लूजिंग देते हुए देख लेना है कितना आ रहा है। जैसे मेरे केस में 10 इंचेस आ रहा है तो उसका आपने हाफ लगा देना है, जितना भी आ रहा होगा उसका हाफ निकालते हुए यहाँ पर मार्क करना है। लेकिन इस केस में मेरा 10.5 आ रहा है तो मैंने 10.5 का जो हाफ होगा वो 5.25 इंचेस होगा, तो मैं इस तरह से 5.25 इंचेस पे मार्क कर दूंगी। तो ये देखिए जस्ट थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ से, 1/4 इंच के करीब इतना सा फ़र्क पड़ा। इतना सा तो हम नॉर्मल बाजू में भी फिटिंग देते हैं। अगर आप लूज़ पहनते हो तो आप पहले वाले मार्क पे ही कीजिए, मीन 5.5 इंच वाले पे। अब हम इन मार्किंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ये इस तरह से सेम नॉर्मल बाजू की तरह हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमने यहाँ से 1.5 इंचेस पे मार्क करना है, जो यहाँ से हमने मार्जिन छोड़ना है 1.5 इंचेस छोड़ना है और यहाँ से हमने 1 इंचेस छोड़ना है। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से हमारा नॉर्मल बाजू की तरह कट गया है। अब हमने ये जो अपर पोर्शन है यहाँ तक ये हमारा रेडी है इस तरह से। इससे हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है यहाँ पे, फिर कटिंग करनी है। कटिंग करने से पहले इसकी ये हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बोला था कि हम एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे कटिंग करते वक्त, क्योंकि तो ये देखिए यहाँ से लेते हुए यहाँ तक हमारा 10 इंच रेडी रह जाएगा। ये जो आधा इंच है ये शोल्डर की तरफ सिलाई में आ जाएगा, और ये आधा इंच जब हम इसको बैलिस के साथ अटैच करेंगे तो आधा इंच कपड़ा हमारा यहाँ से दब जाएगा। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे। अब हम इसको कपड़े के ऊपर रखते हुए कपड़े की कटिंग करेंगे, और जो बेल है उसकी कटिंग मैं आपको डायरेक्ट कपड़े के ऊपर दिखाऊंगी, क्योंकि व्यूअर्स को ऑलमोस्ट यही कन्फ्यूज़न रहती है कि हम इसकी लेंथ किस तरह से ले। तो मैंने आपको आज बड़े ही अच्छे तरीके से बताया है, और नेक्स्ट मैं आपको बेल स्लीव की कटिंग जो करके दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो मेरी जो आएगी उसमें मैं आपको डायरेक्ट कपड़े के ऊपर करके दिखाऊंगी, और इससे अलग मेथड से बेल स्लीव की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो चलिए अब इसको कपड़े के ऊपर रखते हुए कटिंग करते हैं। अब हमने ये अपर पार्ट कट करने के लिए कपड़ा ले लिया है और डबल में रखा हुआ है। ये अंदर सीधी साइड है और बाहर की तरफ उल्टी साइड है। इसके ऊपर हम अब जो हमने कटिंग की है इसको, ये भी डबल में है, इसको भी हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे ये बंद वाली साइड से, और यहाँ से हम इसको बराबर करते हुए रखेंगे। अब हम इसको पिंस लगाते हुए फिक्स कर लेंगे ताकि कटिंग करते वक्त ये आगे पीछे ना हो। बेल स्लीव्स बनाने के लिए आप फ्लोई फैब्रिक का यूज़ कीजिए, ये मेरा सिल्क का कपड़ा है, इसमें ये बहुत अच्छी बनती है। अब हम इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे जैसे कि हमने ये पैटर्न कट किया हुआ है। ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको खोलते हुए फ्रंट आर्म होल की यहाँ से शेप देंगे, करीब 1.25 इंच अंदर की तरफ हम कटिंग करते हैं। इस तरह से ये हमारा अपर पोर्शन पूरा कट गया है। अब हम बेल की कटिंग करेंगे। बेल बनाने के लिए हमने स्क्वायर में पीस लिया है, स्क्वायर यानी चकोर में 19 इंचेस इसकी लेंथ रखी है और 19 इंचेस इसकी विड्थ ली है, और ये कपड़े की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब हम इसको सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये हमारा डबल में हो गया है कपड़ा, और अब हम इसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा, ये 4 फोल्ड में हो गया है। अब हम इसको अच्छे से आयन कर लेंगे। ये जो बंद वाली साइड है इस पर तो आपने बिल्कुल ही अच्छे से आयन करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बिल्कुल भी कोई भी सिलवट नहीं होनी चाहिए, तभी हमारी कटिंग एकदम से एग्जैक्ट होगी। इस तरह से ये देखिए बंद साइड है और इस तरफ खुली साइड है। आयन करना बिल्कुल मत भूलें अगर आपका सिल्क का क्लॉथ हो तो। अब हमने ये पैटर्न ले लेना है। अब इसकी यहाँ से हमने जो चौड़ाई रखी थी ये हमने 1.25 इंच रखी है, 5.25 इंच। अब हमने इसका हाफ कर लेना है, 5.25 इंच का हाफ कर लेंगे इस तरह से इंची स्टेप को डबल करते हुए। तो अब ये देखिए इसका जो हाफ आ रहा है ये हमारा 2.5 इंच से 1 पॉइंट यानी कि 1 सूत बोलते हैं, 1 सूत ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसको 2.6 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली मान के चलेंगे। अब हम इसको रखेंगे इंची स्टेप को इस तरह से इस कॉर्नर पे, और यहाँ पे मेज़र करेंगे जहाँ भी हमारा 2.6 इंचेस आ रहा हो, मीन्स 2.5 इंच से 1 सूत ज़्यादा, वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो अब इस तरह से देख लेंगे हमारा 2 इंच से भी कम है, 2 इंच से भी 1 पॉइंट कम है, तो हम इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे। अब इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इन निशानों को मिलाते हुए। अब जहाँ तक हमारा ये हाफ आया था इसका 1.25 इंच का, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इंची स्टेप को इस तरह से पकड़ते हुए 2.6 इंचेस तक इस तरह से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इसको रख लेना है, और इसके अंदर अंदर कर्वी शेप जैसे जैसे इंची स्टेप है उसी तरह से इस तरह से राउंड में ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से ये हमारी मार्किंग होगी। 2.6 इंच तक हमने इसको इस तरह से किया और इस तरह से रखते हुए इसके अंदर अंदर मार्क कर लिया। तो अब ये हमारी तैयार मार्किंग होगी जिसके ऊपर हमारा स्टिच आएगा। अब हम इसके अंदर की तरफ 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए एक और मार्क करेंगे, और इस मार्क के ऊपर हमारी कटिंग हो जाएगी, इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने इस मार्क से बेल की लेंथ का मार्क करना है। बेल की लेंथ जो हमारी रेडी रहेगी वो 7 इंच रहेगी, तो हम इस तरह से इसी मार्क से रखते हुए
गोलाई में इस तरह से 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये हमारा स्टिचिंग का मार्क हो गया। अब हमने इसके बाहर वाली साइड में आधा इंच का गैप छोड़ते हुए एक और मार्क कर लेना है। इस तरह से आधे इंच के गैप के ऊपर मार्क कर देंगे, ये हमारा कटिंग का मार्क हो जाएगा। और ये जो हमारा स्टिचिंग का मार्क है इसको मैं इस तरह से डार्क कर दूंगी, और ये जो बाहर वाला मार्क है इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। जैसे हमारी बेल्ट की लेंथ 7 इंचेस रेडी थी तो हमने दोनों तरफ आधा आधा इंच छोड़ते हुए मार्जिन फिर कटिंग की है। यहाँ से हम अपर पोर्शन में अटैच करेंगे और इस साइड को हम फोल्ड करते हुए स्टिच देंगे। अब ये जो हमने 2.6 इंचेस पे मार्क किया है, आप सोच रहे होंगे कि 2.6 पे क्यों मार्क किया है। ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में था और इस तरह से जो हमारा एल्बो राउंड आया था मेज़र करते हुए, इस केस में 10.5 था, तो हमने उसका यहाँ पे चौथाई भाग लगाया है। ये खोलते हुए कपड़ा जब हम इस तरह से स्टिच करेंगे तो उसमें जब हम इस तरह से 4 पोर्शन हैं इनमें चारों में राउंड में स्टिच लगाएंगे तो ये हमारा टोटल 10.5 इंच हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये चौथाई भाग लगाया है यहाँ पे। तो ये हमारी अब बेल कट गई है। अब हम बाजू लेंगे, बाजू के सेंटर के ऊपर यहाँ पे कट कर लगाएंगे। दोनों तरफ बंद साइड में लगा लिया है। इसी तरह से बेल के किन्नी कोई भी 2 साइड्स में इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हमें जब हम इसको अटैच करें इसके साथ तो हमें जोड़ने में आसानी रहे। अब हम इसको इस तरह से रखते हुए अटैच करेंगे, तो चलिए अटैच करते हैं। अब हमने पहले अपर पार्ट लिया है और जैसे चार्ट में हमने मार्क किया था फिटिंग का, उसी तरह से इस पर मार्क कर लिया है। अब इसी मार्क के ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। अभी हमने ये स्टिच लगा लिया है, अब हम बाजू को सीधा कर लेंगे। अब ये देखिए मोहरी की तरफ जो हमने कट लगाया था वो ये है। अब हम इसमें जो बेल है उसको किस तरह से अटैच करेंगे, ये दोनों की सीधी साइड है, बेल की भी सीधी साइड है और बाजू की सीधी साइड है। अब हम बेल पे जो हमने कट दिया है इस कट को हम बाजू के इस वाले कट के साथ इस तरह से ओवरलैप करते हुए रखेंगे। इस तरह से ओवरलैप करते हुए रखना है और हमने इसमें इस तरह से इसको पकड़ते हुए पूरे राउंड में इस तरह से स्टिच लगा देना है। इसी तरह से जैसे मैंने पकड़ा है इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे, तभी जब आपने कटिंग करनी है बड़े ही ध्यान से करनी है ताकि हमारा कम या ज़्यादा ना कटे, क्योंकि फिर इस तरह से अटैच करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर कम या ज़्यादा हो गया कपड़ा हमारा। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया राउंड में स्टिच दे देना है। अब ये जो हमारा दूसरा कट है जो हमने बेल में दिया था, ये हमारी बाजू की फिटिंग की सिलाई के साथ इस तरह से आया है। अब ये जो हमारा बाजू की फिटिंग की सिलाई के बाहर का मार्जिन है इसको हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच देना है, जैसे कि हम कुर्ती में देते हैं इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच, और इसी तरह से पूरी सिलाई को राउंड में लगा लेना है। ये हमने स्टिच दे दिया है और हम इसको अब जब बेल को इस तरह से पलटेंगे तो ये इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से हमारी बेल इसके साथ अटैच हो चुकी है और अब ये जो हमारा स्टिच है इसको हम ओवरलॉक कर लेंगे। अब ये देखिए राउंड वाला जो हमारा पूरा बेल का कपड़ा था वो इस तरह से बाजू के साथ अटैच हुआ है। इस तरह से देखिए पूरा सर्कल हमारा बाजू में कुछ इस तरह से अटैच हुआ है। अब हम इसकी ये वाली साइड इसको फोल्ड करते हुए स्टिच देंगे। आप चाहो तो पीको भी कर सकते हो। जब भी आप ओरेव में स्टिच दो तो थोड़ा थोड़ा करते हुए स्टिच देना है और जस्ट हम हल्का हल्का सा फोल्ड करते हुए स्टिच देंगे, नहीं तो ओरेव में सिलवट आ जाती है। ये इस तरह से मैंने जस्ट थोड़ा थोड़ा फोल्ड किया है। अगर आप ज़्यादा लंबा स्टिच एक बार में लगाने की कोशिश करोगे तो सिलवट आ जाएंगी आपकी बाजू में। अब हमने इसी तरह से थोड़ा थोड़ा स्टिच लगाते हुए पूरा राउंड में स्टिच दे देना है, पूरी फ्लेयर में। अब ये देखिए मेरा कितनी ही फिनिशिंग से आया और कोई भी सिलवट नहीं आई है। अब ये हमारी बाजू का फाइनल लुक हो गया है
और हम इसको सिंपल बाजू की तरह है, जैसे हम नॉर्मल बाजू कुर्ती में अटैच करते हैं उसी तरह से कर लेंगे। और पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो इस तरह से हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।